अभी निरीक्षण करके देखा कि गंदगी थी, जगह जगह पत्तियों के ढेर थैलों में बंद करके रखे गए थे, और कूड़ा जो है प्रॉपर जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है वो प्रॉपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूँ आपके साथ पूनम। रामनगर का सरकारी अस्पताल जब से सरकार ने PPP मोड पर दिया है, तब से ही जहां एक ओर पटरी से उतरी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहा है, तो वहीं अस्पताल व अस्पताल परिसर में इस मोर्चरी को जाने वाले रास्ते पर लगे कूड़े के ढेरों से जहां एक ओर दुर्गंध फैल रही है, तो वहीं इस मार्ग पर कुछ बंद कूड़े की थैलियों से बाहर निकल रहे कीड़े यहाँ आने वाले मरीजों एवं उनके तीमारदारों में संक्रमक बीमारी फैलाने का खतरा बन चुका है। लेकिन PPP वार्ड के संचालक इस गंभीर समस्या को लेकर आंखें मूंदे बैठे हैं। सोमवार को इस संबंध में कुछ लोगों द्वारा तहसीलदार कुलदीप पांडे से शिकायत की गई। इसके बाद तहसीलदार ने चिकित्सालय की CMS को निर्देश देते हुए कार्यवाही करने की बात कही। तहसीलदार के आदेश के बाद चिकित्सालय की CMS डॉक्टर चंद्रा पंत ने PPP मोड संचालक स्टाफ के साथ इस इलाके का निरीक्षण किया, तो उनके भी गंदगी को देखकर होश उड़ गए। जहां एक ओर मोर्चरी वाले रास्ते पर गंदगी एक बड़ी समस्या बनी है, तो वहीं यहां पर लाइट व्यवस्था न होने के कारण भी रास्ते में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए CMS डॉक्टर पंत ने बताया कि आज निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में काफी अनियमितताएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि संबंध में संबंधित लोगों को तत्काल सफाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। अभी निरीक्षण करके देखा कि गंदगी थी, जगह जगह पत्तियों के ढेर थैलों में बंद करके रखे गए थे, और कूड़ा जो है प्रॉपर जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है वो प्रॉपर समय समय पे नहीं जा रहा था, तो कमरों में बंद करके रखा गया था। तो इनको अभी PPP मोड के मैनेजर को भी साथ में लिया था, राउंड करा था, तो उन्हें लिखित में दिया जा रहा है कि वो तुरंत तत्काल उसे हटाएं और साफ़ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। चलो, कीड़े देखे आपने? हाँ, देखे।